नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है या फ्रीज हो गया है या होल्ड हो गया है, आपका अकाउंट किसी बैंक में है, अगर ऐसा हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए और किस गलती से आपका अकाउंट होल्ड फ्रीज ब्लॉक होता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और किस बैंक में आपका अकाउंट जल्दी होल्ड और फ्रीज ब्लॉक नहीं होगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो और दोस्तों अगर आप बैंक के टर्म एंड कंडीशन को, अगर आप उनकी पॉलिसी को पार कर जाते हो, अगर आप कुछ गलतियां करते हो तो बैंक आपकी जो अकाउंट है उसे ब्लॉक और होल्ड फ्रीज कर देता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है, मान लो अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी पाई गई या आपके अकाउंट में कोई बड़ा अमाउंट अचानक ट्रांसफर हो गया या आपने अधिक जो है ट्रांजेक्शन कर लिया या आपका जो अकाउंट है फुल केवाईसी नहीं हुआ है या आपके अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं है या आपने अपने अकाउंट से किसी ऐसे पर्सन को ट्रांजेक्शन किया जो बैंक की पॉलिसी के अंडर में नहीं आता है, या दोस्तों आपने कोई गलती नहीं किया फिर भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, या आपने अपने अकाउंट में अधिक बैलेंस रख दिया तब भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, ये सब चीजें होती है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे देखो सवाल ये है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे कि मान लो आप उसमें अकाउंट ओपन करवा लिए और दोस्तों अगर आपके अकाउंट में अगर पैसा आता है जाता है, अगर आप पैसे डेबिट और क्रेडिट करते हो और दोस्तों आपकी कोई गलती नहीं होती है फिर भी बैंक कभी कभी आपका अकाउंट फ्रीज और ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि सबसे अधिक ब्लॉक और फ्रीज होने वाला अकाउंट किस बैंक में अक्सर ये काम होता है। तो यहाँ पे HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक और दोस्तों कुछ बैंक है जो ज्यादा अकाउंट को ब्लॉक फ्रीज करते हैं। बट उसमें SBI बैंक में जो आपका अकाउंट है ये जल्दी फ्रीज और ब्लॉक नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई गलती नहीं करते हो तब भी कभी कभी बैंक आपका अकाउंट को ब्लॉक और फ्रीज कर देता है, और आप बैंक में जाते हो और बैंक में शिकायत करते हो तो आपकी सुनवाई नहीं होती है। आप परेशान होते हो कि मैंने कोई गलती नहीं किया, क्या मेरी गलती है, और मैंने ट्रांजेक्शन तो बैंक के टर्म एंड कंडीशन के पॉलिसी के हिसाब से किया फिर भी मेरा अकाउंट कैसे अनलॉक होता। आप बैंक में जाते हो बोलते हो तो बैंक के मैनेजर आपको ये बोलते हैं कि जो आपका अकाउंट है ये हमारे तरफ से नहीं किया गया है, ये ऊपर से हुआ है। जब भी आप किसी बैंक में जाते हो अगर आप ये बातें यहाँ पे दर्ज कर बोलते हो तो यही बताया था कि आपका जो अकाउंट है बैंक से नहीं हुआ है, ये आगे से और ऊपर से हुआ है, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डालता हूँ। तो अगर वहां से रिक्वेस्ट पड़ता है फिर भी आपका अकाउंट जल्दी ब्लॉक या अनफ्रीज या सब नहीं होता है और आपको पैसों की जरूरत रहती है, आप पैसा निकालना चाहते हो बट पैसा निकलता नहीं है, आप बहुत तकलीफ झेलते हो और बहुत टेंशन रहते हो कि मैं क्या करूं, मैं खुद का पैसा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं यहां पे सवाल ये है, अगर ऐसा होता है अगर आप बैंक में जाते हो और आप बैंक से बोलते हो कि सर मेरा अकाउंट किस रीजन से ब्लॉक हुआ है, किस कारण से फ्रीज हुआ है, अगर उसमें आपका अधिक बैलेंस है, अगर बैंक वाले नहीं सुनते हैं दोस्तों तो आपको ये बैंक मैनेजर से बात करना है। अगर यहाँ पे आपकी कोई सुनवाई नहीं होती उसमें तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको एक नियर बाई पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। दोस्तों वहां पे कंप्लेन करोगे, अगर दोस्तों आपके अकाउंट में ऐसी कोई बातें नहीं है तो आपका अकाउंट तुरंत जो है अनलॉक और फ्रीज हो जाएगा, अनफ्रीज हो जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है, काफी लोग कंप्लेन करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों अगर आप कंप्लेन करना नहीं चाहते हो तो आपको RBI के ऑफिशियल साइट पे जाना है, वहां पे दोस्तों आपको NBFC चूज कर लेना है और बैंक का नाम क्या है आपको बैंक का नाम डाल देना है, आपका अकाउंट नंबर सब कुछ डाल के दोस्तों आपको RBI को जो है एक कंप्लेन फॉर्म आता है आपको सबमिट कर देना है। अगर दोस्तों आप कंप्लेन फॉर्म को सबमिट करते हो तो जो आपका अकाउंट है दोस्तों वो दोस्तों ऑटोमेटिक वहां से अनफ्रीज, अगर आपका होल्ड है या ब्लॉक है तो वहां से अनब्लॉक कर। बट दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है, काफी लोग एक फॉर्म को नहीं भरना जानते हैं और काफी लोग थोड़ा इसको नहीं समझते हैं और सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको ये सब काम करना, अगर दोस्तों बैंक आपकी नहीं सुनता है और आप फॉर्म भी नहीं भरना चाहते तो आपस एक ही ऑप्शन है, आप कंप्लेन करो और आपका 1% जरूर, 101% आपका जरूर होगा। तो देखो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा,
जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना, तो मैं अपना आपको पर्सनल सलाह दूंगा, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और SBI बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना, क्योंकि दोस्तों सबसे बेस्ट बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। दोस्तों मैं आपको, मेरे घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं सभी लोग यूनियन बैंक का अकाउंट यूज करते हैं। मेरी माँ जो है 25 साल से अकाउंट यूज करती है, और दोस्तों काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, बट आज तक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कि दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इतना जो है कस्टमर को परेशान नहीं करता है। अगर दोस्तों आपको अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना है या रखना है, करना है, तो आपका 1000 रुपए से अकाउंट ओपन होता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, आप ओपन करवाइए, बेस्ट बैंक है। मैं आपको सलाह दूंगा अपना पर्सनली कि आप जो है इन सब बड़े बैंकों के चक्कर में कहीं मत पड़ना, कि ये बड़े बैंक क्या करते हैं, अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसी बातें उनको मिल गई और तुरंत जो है अनलॉक और अनफ्रीज जो है कर देते हैं और आप परेशान रहते हो। दोस्तों मेरा आप सुझाव ये है कि आप बैंकों से कोई बहसबाजी मत करो। अगर आपके अकाउंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आपको दोस्तों डरना नहीं कि आपका पैसा है। दोस्तों अगर मान लो अपने पैसों के लिए आप डरोगे तो गलती आपकी मानी जाएगी। अगर दोस्तों अपने पैसों के लिए आप जो है नहीं कोशिश करोगे तो यही आपके अंदर विचार आएगा, और बैंक भी इस देगी कि ये पर्सन ने अब तक कुछ एक्शन नहीं लिया, इसका गलती है, इसने गलती किया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा होता है तो आप लोग को 101% नहीं डरना है, आपको खुद के पैसों के लिए दोस्तों लड़ाई करना है, क्योंकि पैसा आपका है, सब कुछ आपका है, और उस पर अधिकार करके कोई और बैठ गया तो क्या ये सही है, आप मुझे बताइए। बट दोस्तों यहाँ पे काफी लोग का पैसा रहता है 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, और लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, सोचते हैं चलो मैं बैंक में कंप्लेन करूंगा और मेरा जो पैसा है फिर से मुझे मिलना चालू हो जाएगा। बट दोस्तों एक गलती कभी मत करना, अगर ऐसा होता है तो आपको दोस्तों जरूर कंप्लेन करना और एक्शन करना, बैठना नहीं है। अगर आप बैठ जाओगे तो इसमें आपकी गलती मानी जाएगी और आपका जो पैसा है, आपका पैसा ऐसे ही होल्ड और जो है ब्लॉक रहेगा, और आपका अकाउंट है वो अनफ्रीज रहेगा, अनफ्रीज नहीं होगा, और आप बार बार कोशिश करो, कुछ नहीं होगा, आप बाद में थक के बैठे रहोगे। तो मैंने आपको ये वीडियो में सलाह दिया है, मेरा पर्सनली सलाह है, कभी लाइफ में आप कहीं मत डरना। अगर दोस्तों आपका पैसा है तो अपने पैसों के लिए आपको किसी से नहीं डरना, कि पैसा आपके मेहनत का है, उसमें आपका अधिकार है, और अपना अधिकार लेने में दोस्तों कोई डर कोई टेंशन नहीं है। चाहे कोई बैंक अगर गलती करता है तो कंप्लेन करो और लड़ो और अपना पैसा लेकर रहो। तो मैंने आपको बताया समझाया, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तो जय हिंद, वंदे मातरम।